नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, जो सभी NBFC कंपनी के लिए किस तरह से आप मॉरेटोरियम 3.0 लोन रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 सितंबर 2020 यानी 1/9/2020 से लागू होने वाला है। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा? अभी इस अगस्त के बाद ये पॉलिसी अप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगस्त तक तो आपको मालूम है मॉरेटोरियम है, तो अभी से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप ये मान के चलो जो सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अभी से तैयारी कर लो, अभी से डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लो प्रोसीजर कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, 4 से 5 मिनट का वीडियो हो सकता है, 3 से 4 मिनट में भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इस पे आगे बढ़ने से पहले हमने क्या बताया आपको, NBFC कंपनीज, ठीक है, NBFC कंपनीज हो या जो भी कोई भी लोन ऐप के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जान लीजिए आप लोग, जो NBFC कंपनीज, कोई भी NBFC कंपनीज हो, तो वो भी आपको RBI की जो ये नई वाली पॉलिसी है COVID-19 स्ट्रेस वाली रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग वो सभी NBFC कंपनीज आपको मॉरेटोरियम प्लस लोन रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट देगा। ठीक है, सभी NBFC कंपनीज और जो भी हैं वो देगा आपको मॉरेटोरियम, ग्रांटिंग ऑफ मॉरेटोरियम और यहाँ पर देखिए रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट, यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट देगा। यदि आपने पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, MSME लोन है, चाहे पर्सनल है या फिर आपका कमर्शियल कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RBI ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं इनका वेब पेज निकाल रहा हूँ, RBI की ये वेबसाइट है, आप चाहे तो इसका PDF भी मैं खोल रखा हूँ, ये ऑफिशियल PDF है, इस PDF में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम इसमें दिखाते हैं, यहाँ पर हेडलाइन ही देखिए, रिजोल्यूशन यहाँ पर नीचे में ही, NBFC ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, चाहे होम लोन वाला हो, ठीक है, वो या फिर जो लोन प्रोवाइड करता है, जो चाहे छोटा लोन हो, बड़ा लोन हो, किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन हो, वो सभी, यानी सभी NBFC कंपनी आपको ये मॉरेटोरियम प्लस रीस्ट्रक्चरिंग वाली पॉलिसी के अंतर्गत आपको बेनिफिट दे सकती है, यानी ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे आपने NBFC से MSME लोन लिया हो या आपने पर्सनल लोन लिया हो, ठीक है, या आपने बिजनेस लोन लिया हो या कमर्शियल लोन लिया हो, कोई भी लोन लिया हो, चाहे आपने कैब के लिए ही क्यों ने लोन लिया हो, कैब वाले के लिए भी, व्हीकल वाले के लिए अगली दो वीडियो और आएगी, ठीक है, आने वाले वीडियो आज आ ही रही है, बहुत सारी वीडियोस, तो आप लोग वो सब देखते रहना। ठीक है, यानी किसी भी NBFC कंपनी से यदि आपने लोन लिया है तो सभी NBFC कंपनी वाला आपको ये पॉलिसी पे आपको राहत देगा, तो यदि नहीं देता है तो आप RBI को कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं, उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है। तो आपको ये अब यहाँ पर आपकी क्वेरी जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट करते थे, व्हाट्सअप करते थे, ईमेल करते थे, जो सर मुझे NBFC कंपनी वाला देगा कि नहीं देगा, वो लोग बहुत परेशान करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ये ऑल NBFC ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सभी को ये लेटर गया हुआ है, और ये आप RBI जैसे गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, RBI जैसे डालोगे तो वो वेबसाइट आ जाएगी, और वेबसाइट आते ही आप इनका नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको 6 अगस्त वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके आप बैंक में जाके पहुँच सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं, यदि वो इधर उधर करता है तो फिर ये सबूत देना, बोलना कि जो आप ये इस पर एक पेपर पर लिख के दो, इस लेटर पर लिख के दो जो हम आपको नहीं दे रहे हैं, फिर देखना उसका कैसे हवा गुम हो जाती है, हवा जो है फिर सर चकराने लगेगा उनका, फिर वो बोलेगा ठीक है सर, हम इस पर अभी डिसाइड करके आपको हम बताएंगे और जल्दी से जल्दी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बशर्ते कि आपके पास ये सारे प्रूफ होने चाहिए, मतलब साफ है सभी NBFC कंपनीज वाला आपको इस पॉलिसी का रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर COVID-19 रिलेटेड स्ट्रेस इस पर आपको राहत देगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारा चीज़ क्लियर कर दिया, और बार बार मत बोलना जो सर एक ही चीज़ पर बता, तो ये जो पॉलिसी है इसको आप साधारण मत समझना, इतने हल्के में मत लेना, ये जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों की ये पॉलिसी है। ठीक है ना, तो यहाँ से लोन मालूम है ना कितने, लगभग 40-50 लाख करोड़ का लोन ऑलरेडी चल रहा है, तो लोगों को इनसे काफ़ी कुछ राहत वाली पॉलिसी है ये, और आपको ये समझनी जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, सभी NBFC कंपनी से यदि आपने लोन लिया होगा, चाहे छोटा लोन हो, बड़ा लोन हो, कमर्शियल लोन हो, व्हीकल लोन हो, तो वो भी आपको मॉरेटोरियम 3.0 प्लस आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग 100% देगा, यदि आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, इसके लिए RBI ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर दिया, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि और सभी लोगों का भी प्रॉब्लम जो है कन्फ्यूजन वो दूर हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।